आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कटोरी चाट की रेसिपी। जो मार्केट में आप खाते हैं ना, बिल्कुल उससे भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी कटोरी चाट जो है सो आज घर पे बनाएंगे। तो लास्ट तक जो है मेरे साथ बने रहिए। ये चाट तो आप बहुत बार बनाए होंगे, पर मेरे तरीके से बना करके देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजना और रंजना किचन में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हम क्या करेंगे, मैदा ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और अजवाइन जो है ना, सो थोड़ी सी हम अजवाइन क्रश करके डाल देंगे। और ये इसका जो है ना, सो थोड़ा सा मोयन के लिए ऑयल डालेंगे, 2 चम्मच हम ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे हम अच्छे से मिला लेंगे। और आप इतना इसे इतना मिलाएंगे ना, अभी मैंने मुट्ठी बांधा इसे, इसका लड्डू जो है सो नहीं बना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा सूजी डाल लेंगे और सूजी डाल के उसके बाद जो है सो इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। फिर देखेंगे जो अगर ये मुट्ठी बन रहा है, इस तरह का लड्डू जैसा बन रहा है, तो फिर क्या होगा जो ये, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट इसमें मोयन है। तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के देखो तो, और इसका हम सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। और ये जितना भी जितना ही सॉफ्ट होगा ना, तो इसकी सूजी है, सूजी भी फूलेगी ना, तो इसलिए सॉफ्ट आटा लगाएंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, जितनी बड़ी आपकी कटोरी है उस हिसाब से आप लोई तोड़िए। अगर आपकी बड़ी कटोरी है तो बड़ी लोई तोड़िए, अगर छोटी है तो उस हिसाब से आप लोई तोड़िए, उसका रोटी बनाए, रोटी जैसा बना लीजिए, क्योंकि हमें तो कटोरी का शेप देना है ना। तो मैंने इतनी बड़ी कटोरी लिया तो एक रोटी के बराबर मैंने इसे बनाया, जितनी बड़ी रोटी होती है ना, तो मैंने बस रोटी के जैसा इसे बेला। अब इसे क्या करेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। जहाँ भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा तो आप इस तरह से फोल्ड कर दें उसे और इस तरह से कटोरी जैसा बना लें। और अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इस तरह से होल्ड कर देंगे तो क्या होगा ना, काटा से ये कर देंगे तो इससे क्या होगा जी, फूलेगा नहीं। तो फिर अगर फूल जाए तो फिर कटोरी का शेप तो नहीं आएगा ना, तो इसीलिए हमें इसे छेद कर देना है, तो इससे क्या होगा ये फूलेगा नहीं। अब क्या करेंगे, जो हम लेंगे एकदम से जिसका जो गहरी तली वाली कढ़ाई होगी ना, तो उसमें आप बनाएंगे तो ये अच्छी तरीके से पूरी तरीके से कटोरी जो है उसमें डूब जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कलछी लेके इसके चारों किनारों पर जो है सो हम चारों बगल से इसमें ऑयल तेल डालते रहेंगे, तो इससे क्या होगा इससे आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से आप इसे डालते रहिए तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो एक बार आप मेरे तरीके से बना करके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और ये देखिए कितने आसानी से ये कटोरी जो है सो निकल गया। तो जब भी आप बनाए ना इसे, तो ऐसा कढ़ाई लें जिसमें कि अच्छी तरह से पूरी तरीके से डूब जाए और ऊपर से आप कलछी से तेल डालते रहिए, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसे निकालने में। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके अंदर जो आप जिस टाइप का फीलिंग बनाएंगे, ये देखिए कितनी अच्छी कटोरी बन के तैयार हुआ है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से। और इसे हम निकाल लेंगे, देखिए तो एकदम कितना अच्छा लग रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका फीलिंग तैयार करेंगे। और ये बहुत ही क्रिस्पी बना है, बहुत ही आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही क्रिस्पी है, क्योंकि सूजी डालने से और तेल जब भी हम इसे फ्राई करेंगे ना, तो उसमें तेल जो है एकदम बहुत ही कम गर्म जब होगा उसी में डाल देंगे। और ये मैंने दही लिया है और इसमें 1 चम्मच मैंने चीनी डाल दिया है। और दही और चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। दही जो है सो गाढ़ी दही होनी चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, इसका फिलिंग तैयार कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको तो इसमें क्या करेंगे फिलिंग के लिए, ये 4 बड़े आलू बॉईल किया हुआ आलू ले लेंगे, 1 प्याज ले लेंगे कट किया हुआ प्याज, 1 टमाटर ले लेंगे, 1 बड़ा टमाटर उसको कट कर लेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च ले लेंगे और अब इसमें क्या करेंगे, दही डालेंगे। अगर आपको फिलिंग में और कुछ डालना हो
अपने मन के पसंद से जो भी आपको पसंद हो आप उसका फिलिंग बना सकते हैं। पर इस तरीके का फिलिंग भी बनाएंगे ना तो वो बहुत ही टेस्टी बनता है। अब क्या करेंगे, इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, भुना हुआ लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से नमक डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, क्योंकि हमें तो चाट का फ्लेवर लाना है ना, तो सारे चीज़ और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। और थोड़ी सी मीठी चटनी हम ले लेंगे और सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से आप बना के रख लेंगे तो फिर जितनी भी कटोरी चाट बनाए तो एक ही बार में बन जाएगा। और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे और इसमें अब हम चाट बनाते हैं। अब तो इसमें सारा क्या करेंगे, इसमें सारा मिक्स किया हुआ फिलिंग डालेंगे। अब पापड़ी मैंने घर में ही बनाया था तो पापड़ी इसमें डाल देंगे और ये मिक्सचर है वो हम डाल देंगे। आप चाहे तो भुजिया आता है ना, आलू भुजिया आता है वो डाल दीजिए। और ये इसमें चना दाल सब मिक्स किया हुआ है तो इसे मैंने डाला है। अब फिर से क्या करेंगे, वही फिलिंग जो मैंने बनाया था ऊपर से भी डाल देंगे। फिर एक पापड़ी तोड़ के डाल देंगे, ये बहुत ही टेस्टी बना है और आपको देखने में भी बहुत टेस्टी लगेगा और खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्ट लगेगा। तो एक बार आप मेरे तरीके से बना करके देखिए, फिर ऊपर से दही डाल देंगे और इस तरह से ये पूरा भर जाएगा। ऊपर से दही डालिए और थोड़ा सा आपको डेकोरेशन भी करना है तो नीचे कटोरी पे भी दही गिरा दीजिए। इस तरह से हम कटोरी पे भी डालेंगे और फिर स्वीट चटनी डालेंगे, मीठी चटनी डालेंगे सब तरफ से। मैंने मीठी चटनी डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे और ऊपर से फिर मिक्सचर जो है सो मूंगफली का जो था वो सब डाल देंगे। ये देखिए कितना टेस्टी चाट बनके तैयार है। मुंह में पानी आ रहा है ना, तो प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से बना करके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी यमी दिख रहा है ना। तो एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।